हेलो गाइस, वेलकम बैक WTS विद लॉग। माय नेम इज शहजी। हां जी, सत श्री अकाल सारेयां नूं। आई एम वरुण फ्रॉम पंजाब। हाय एवरीवन, माय नेम इज निजाम। आई एम फ्रॉम केरला, इंडिया। सो होप सो ऑल इज डूइंग वेल। तो व्हाट द सीन फॉर टुडे मेट्स? मेट्स फॉर टुडे वी आर गोना बी कंपेयरिंग। तो मैं इसका पता ही है। ममे ममेट ममे ममे इसका मैं बाद में बताऊंगा। ममे मेरे भाई। अच्छा, जब मैं स्टार में है ना इधर, तो एक घोड़ा आके मुझे बोला हाय ममे, तो मैं दूसरे से पूछ रही यार ये क्या क्या मतलब क्या है, क्योंकि वर्ड कभी सोना ही नहीं था। तो आगे तो वो भी कहते यार जिम्मे ऐसी नहीं आता, समय सोने नहीं ये मामे आंदे। और बाद में मुझे समझ आया कि अच्छा माय मेड। ओके, तो क्या वीडियो है? ऑलराइट मेड बोलते हैं। ऑलराइट, या तो व्हाट द सीन? Well, scene for today, we're going to be watching Pakistan versus India tourism comparison. तो हम reaction देंगे इसके ऊपर। तो ये fair होना चाहिए, ठीक है? वीडियो नहीं, हमने पहली बार देखा हम। हाँ, पहली बार। First time। शपथ लो। शपथ ले ली। अब मेरी ले लेता जो मैं था ये safe side। हाँ, सही है। ओ जो भी हो मुझे वो है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, होपफुली। याद रहा तो डाल दूंगा। वही करना किसे पसंद नहीं होता, और घूमने के लिए जगह कोई पहाड़ी इलाका हो तो वहां जाने के लिए अपने लाखों रुपए भी खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। ये तो दुबई वाला मुल्क की तरक्की और मकबूलियत में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और भारत के सियाहती मकामात के बारे में अहम मालूमात फराहम करेंगे, और इस बात से भी आगाह पाकिस्तान के दोनों ममालिक किसी और ही कंट्री का भी हो रहा है। अभी वो कह रहे हैं ना, ये तो दुबई का आ गया। इसमें स्काईडाइविंग, सियाहत, तफरीही सफर, सफाती सियाहत शामिल है। पाकिस्तान और भारत में ये तमाम इकसाम की सियाहत देखने को मिलती है। इसी वजह से दुनिया भर से तफरीह के दीवाने हजारों किलोमीटर सफर करके पाकिस्तान और भारत में मौज मस्ती करने और कुदरत के हसीन नजारों से लुत्फंदोज होने के लिए आते हैं। अब जरा पाकिस्तान में सियाहती अहमियत पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने एक मुनफरिद जुग्राफिया और अनवाओ इकसाम की डेकोरेटेड किया है। और हमारे वहाँ पे चलते हैं जैसे वो ट्रक नहीं होते, रिक्शे ट्रक रहते हैं, जो कि पाकिस्तान को बहुत से रंगों का घर बनाते हैं। पाकिस्तान में रेगिस्तान, सरसब्ज़ और शादाब इलाके, मैदान, पहाड़, जंगलात, खूबसूरत की वजह से पाकिस्तान ने 2012 में 1 मिलियन से भी ज्यादा सयाहों को अपनी तरफ माइल किया। पाकिस्तान में सयाहों को सबसे ज्यादा फरोग 1970 की दहाई में मिला, जब मुल्क तेजी के साथ तरक्की कर रहा था और दीगर सनअतों की तरह सियाहत भी अपने और ममालिक से लाखों सयाहों ने पाकिस्तान का रुख करना शुरू किया। इस अरसे में पाकिस्तान में सियाहत दर्रा हैबर, पेशावर, कराची, लाहौर, सवात और कराची तक की डेकोरेशन पीसेस। लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने दीगर खूबसूरत मकामात को मकबूल करना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान में सियाहत ने तेजी से अपनी पहचान बनाई। और यही वजह है जैसे लाहौर का बाजार नहीं मिल रहा है, ये जो दरबार के साथ जो है वो वाली के लिए है। इन सब में से पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात को एक खास अहमियत हासिल है। अब जरा नजर डालते हैं भारत की सियाहत पर। भारत में सियाहत को एक बहुत अहम मुकाम हासिल है। आलमी तंजीम वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक भारत ने साल 2021 में सियाहत से 8.31 लाख करोड़ अमरीकी डॉलर का फायदा उठाया। सियाहत से 38 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को काम के मौके फराहम हुए। भारत हर साल 7.5% की रेशो से सियाहती शोबे में तरक्की करता आ रहा है। भारत ने अपने मुल्क में सियाहत को फरोग देने के लिए बहुत से नए मंसूबे भी तश्कील दिए हैं, जिनसे 2025 तक भारत सियाहत के शोबे से 270 मिलियन डॉलर्स का फायदा उठाएगा। अप्रैल 2016 में गैर मुल्की सयाहों की आमद में साल 2015 के मुकाबले में 10.7% का इजाफा देखा गया, जिनमें सबसे ज्यादा सयाह बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए। इसके बाद अमेरिका और बरतानिया दूसरे और तीसरे नंबर पर थे। अप्रैल 2016 में सियाहत के शोबे से 11,637 करोड़ रुपए की आमदनी गैर मुल्की सरे मुबादला से हिंदुस्तान में तारीखी मुकामात की भरमार है, और इसी वजह से भारत में हर साल लाखों करोड़ों लोग तारीखी मुकामात और आसारे कदीमा का रुख करना पसंद करते हैं। अब जरा नजर डालते हैं पाकिस्तान लिखे उधर के हुसन से मालामाल शुमाली इलाका जात की।
पाकिस्तान के शुमाली इलाका में आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मगरबी पंजाब शामिल हैं। पाकिस्तान के इन इलाकों में कुदरत के बेशुमार नजारे मौजूद हैं और इन सब के साथ साथ मुख्तलिफ किले, तारीखी मकामात, आसारे कदीमा, कर्दों में देवसाई का खूबसूरत ठंडा सहरा कुदरत की बेनजीर कारीगरी है और दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ केटू भी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। पाकिस्तान के जनूबी इलाका जात भी सयाहों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में खुश्क पहाड़ियों से ढकी वादियां, कोयले और बहुत से मादनियात से माला माल पहाड़ी सिलसिले ज़ियारत, कोयटा और गवादर अपनी मिसाल आप हैं। इन सब के बाद अगर पाकिस्तान और भारत के खानों पर बात की जाए तो हमारा सियाहत का मौजू नजर नहीं आता। पाकिस्तान और भारत पूरी दुनिया में अपने खानों और मेहमान नवाज की वजह से भी जाने जाते हैं। पाकिस्तान में बनाई जाने वाले मसालेदार या चटपटी और लजीज दिखने वाली बिरयानी किसी न किसी तरह अपने मद्दाहों को अपनी तरफ खींच जाती है और वही भारत में आपको कई नस्ल के खाने देखने को मिलते हैं जिनमें वड़ा पाव, इडली, सांभर और बहुत से देसी खाने शामिल हैं। अगर आप कुदरत से लुत्फ़अंदोज़ होना पसंद करते हैं तो आपको पाकिस्तान का रुख करना चाहिए जहां आप कई दिनों तक कुदरत के हसीन नज़ारों का मजा उठा सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह के बाद। जो ज्यादा वैसे उसने पाकिस्तान को कवर किया मेरे ख्याल से। हाँ, पाकिस्तान को मुझे लग रहा है थोड़ा बायस्ड था उसका। पाकिस्तानी यूट्यूबर लग रहा है क्योंकि क्योंकि उसकी वर्डिंग है ना, वर्डिंग बट ओवरऑल अच्छा है एक्सपीरियंस। तुझे देख के अच्छा नहीं लगा? इतना कुछ दिखा दिया इधर बैठे बैठे फ्री में, और क्या, गिलगित दिखा दिया, कश्मीर दिखा दिया, फिर लाहौर दिखा दिया, मुंबई दिख गया। वैसे इंडिया बिल्कुल सिर्फ मुंबई दिखा, मुंबई थोड़ा सा और कुछ दिखाया नहीं है ज्यादा। मुंबई तो क्या देखना चाह रहे हो बताओ? इंडिया में तो वैसे शहर है, मेजर है मुंबई, दिल्ली, फिर कोलकाता और चेन्नई, ये चार मेजर हो गए। इन चारों में से एक एक दिखा सकते हैं ऐसे, तो थोड़ा ही कवर हो जाएगा ना, मतलब चारों कोने में है ये। दिल्ली ऊपर, मुंबई वेस्ट में, कोलकाता हो गया ईस्ट में और साउथ में हो गया चेन्नई। हाँ, उसका बस थोड़ा उसकी में भी रिसर्च कम थी, बस वो चाहता हुआ कि मैं ज्यादा पाकिस्तान को कवर करूँ, थोड़ा सा मुंबई को इसका पाकिस्तान का भी तो प्रमोट करने की नहीं करना। नहीं नहीं वो करना चाहिए यार, उस सेंस में शायद उसने किया हो यार, बाइस नहीं हो सकता। मुश्किल होता है, न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल तो सही नहीं है, तो न्यूट्रल को बुलाना पड़ेगा, फिर वो डिप्लोमेसी हो जाएगी ना। अरे हम हर बंदा अपनी कंट्री को फेवर करने की कोशिश करता है, तो उसने मेरा ख्याल वो फेवर करेंगे। तो ये था हमारा ओपिनियन। और गाइस आपका कैसा, आई मीन आपका क्या ओपिनियन है वीडियो देखने के बाद, कि उसने ज्यादा पाकिस्तान को कवर किया या ठीक था? ठीक ही था और क्या, पाकिस्तान को कवर किया उसने, क्या पूछना है। अच्छा मैंने ये बताया कि ये हमारा ओपिनियन था, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि तूने उनका भी ओपिनियन जाके खुद ही दे, या मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नीचे तू कमेंट्स में आके ना अपना ओपिनियन दे दे, ठीक है? तुझे गया ठीक है, ठीक है, मैं कोई ओपिनियन ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया, आपने कुछ कहना है? मैं भी ओपिनियन ऐड कर दूंगा, मुझे जो भी बोलना मैं कमेंट में। ये सही है, मुझे लग रहा है थोड़ा पंजाब का बता देते ज्यादा अच्छा लगता मुझे। पंजाब तो पंजाब एक वीडियो हम पंजाब के ऊपर इंडिया इंडियन यूट्यूबर देख लेंगे जो जो इंडिया को ज्यादा कवर करे, ठीक है? नहीं कोई भी हो यार, वो कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट ज्यादा हो बस। सो गाइस आज की वीडियो से दे हमें इजाजत, आते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, आज हम बैठे हैं विले हैं। ठीक है जी, सत श्री अकाल सारे, बाय 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 बाय।